Good evening, guys. गुड इवनिंग सर। कोई पासवर्ड लगा था क्या जब आपने मीटिंग आई मीन इसमें क्लास में एंटर किया? नहीं सर। नो सर। गुड इवनिंग सर। ओके। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैनेजमेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दिव्यम अनिमेश सॉरी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ये कौन है? शिवांग। अच्छा हाँ शिवांग, कैसे हो? गुड इवनिंग शिवांग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मुस्कान, इट इज राइट? तनुष्का। तनुष्का। अच्छा हाँ तनुष्का, गुड इवनिंग। कैसे हो शिवांग? सर ऑल गुड। ऑल गुड। बोर हो रहे नहीं? यस। कोई नहीं, कुछ दिन और, few seconds, थोड़े और seconds रुक जाते हैं, let everyone join us. जब तक आप लोगों ने good evening श्रेयांश, good evening. जब तक सब आ जाते हैं, let me ask couple of questions from you guys, okay? Ready? Yes sir. First let me see कि who else are present in the class. So we have Animesh, good evening Shrey. Divyam आपसे मिल चुके हैं. तनुष्का, शिवांग, हेलो एरल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रणम्य, हाय गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। हाय। ओके। गुड इवनिंग पलक। हेलो ध्रुव, गुड इवनिंग पलक। हेलो मानसविन, हेलो नमन, कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार, क्लास में आए हो तो चुपचाप मत आओ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हां सर, गुड इवनिंग। ओके। गुड इवनिंग आयशा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आयशा, बहुत चुप रहते हो आप क्लास में, कोई डाउट है तो जरूर पूछा करो। गुड इवनिंग प्रत्युष, ये जिसके भी बैकग्राउंड में टीवी चल रही है उसे बंद कर लो, ठीक है? एल्स आई हैव टू म्यूट मैनुअली। गुड इवनिंग परी। ओके चलो लेट्स स्टार्ट, सब आ चुके हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मानसविन, रेडी? हाँ सर। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ, वेयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट? सर वाटर, H2O। क्या वन वर्ड आंसर दोगे क्या? कुछ सर, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वाटर। इन वाटर, थोड़े अच्छे से बोलो ना। हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इन वाटर, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ना। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन आपसे कंटिन्यू हो रहा है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द वाटर, व्हाट डू यू थिंक कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा किस में, किस स्टेट ऑफ वाटर में होता है? आइस वाटर, बेसिकली जो लिक्विड स्टेट है, या फिर गैस स्टीम? सर आइस। 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 ओके ध्रुव अग्रवाल, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? यस सर। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होता है? आइस, लिक्विड, बेसिकली वाटर या स्टीम? सर सबसे स्ट्रॉन्ग वाटर में होता है। नहीं सोचने दो सर, एक सेकेंड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है? हाँ, किस स्टेट में? सर वाटर में। अच्छा, आप वाटर कह रहे हो? सॉलिड नहीं, बस नाम बोलो स्टेट का। आइस। आइस। तनुष्का आपका क्या कॉल है इस पे, आइस वाटर या स्टीम? जल्दी आइस। आइस। ओके नमन, श्योर नहीं हूँ। नमन, यस सर, बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा किस में स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट है? आइस वाटर? आइस। ओके पलक, यस सर, बताओ क्वेश्चन का आंसर, बस बोलते रहो आइस वाटर या स्टीम में, जिसका भी नाम कॉल आउट करो। हाँ आइस। चिराग, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में प्रेजेंट है, आइस के मॉलिक्यूल्स में, वाटर के मॉलिक्यूल्स में, या स्टीम के मॉलिक्यूल्स में?
Rice. Okay. Arpit. Arpit, jaldi. Zen. Zen. Question agar samajh mein aa gaya to answer dena jaldi. Fir aage badhte hain. Shreyansh, ice, water ya steam? Sir, ice. Ice. Okay. Aisha, ice, water ya steam? Sir, ice. Ice. Shivang? Sir, ice. Okay. Ice. Shivang? Sir, ice. Ice. Sir, question kya hai, main abhi aaya. Hydrogen bond is strongest kin mein? Kin mein sabse zyada strongly present hydrogen bond? Ice ke molecules sir. Mein? Water ya steam ke molecules mein? Ice. Okay. Chalo, Atharv. Sir, ice ke molecules hai. Ice. Pranam, mein aapne bol diya answer? Yes sir, ice. Okay. Aap kaun tha? Zain, aapne abhi tak nahi bola. Pari, aap batao. Ice. Okay. Ab mera aap logo se sabse question hai. Fir bhi hum kehte hai, ice is less dense than water. Basically, ice floats on water. Ye to sabne suna hi hoga. Ice ke cubes kabhi sink nahi hote hain. What do you think is the reason? Kya uska koi taluqat hai hydrogen bond ke saath? Is it anywhere real? Haan, achha. Batao. कुछ मैंने पढ़ा है, पता नहीं, कुछ ना कुछ तो था. कुछ ना कुछ तो था. गाइस, आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो ना, रीड नहीं कर रहे हो, हल्के में ले रहे हो. सर, कूलर थिंग ऊपर आती है. शायद से था हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम गए थे, ऐसा कुछ एक था मैंने लिखा था. कम नहीं, बुक से पढ़कर लिखा था आपने? नहीं नहीं, बुक कहाँ से? एनसीईआरटी, I mean soft copy भी available है ना? अच्छा, चलो इस पे आते हैं. पहले ये बताओ, क्लास 8 में मैंने बताया था सबको डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है. एनीवन रिमेंबर्स इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम? डेंसिटी इज, सब गधे हो हैं. चलो अच्छा अच्छा बोला तू, जोर से बोलो. मास अपॉन वॉल्यूम, गुड. एसआई यूनिट्स क्या होते हैं इसके? अच्छा हाँ, जिसने भी कहा, गुड. मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम. वॉल्यूम का मीटर क्यूब. तो इसलिए एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी हो जाती है केजी पर मीटर क्यूब. अब बहुत ध्यान से बात सुनना. बात उठी है डेंसिटी की, फिर मैं जाऊंगा हाइड्रोजन बॉन्ड पे. क्यों आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से? देखो, मैं डी वन डेंसिटी ले रहा हूँ, डी टू ले रहा हूँ, ठीक है. देखो सेम तो नहीं है ना, मैं ऐसे ले लेता हूँ डेंसिटी ऑफ आइस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर. सेम तो है नहीं, they are not equal. So let's find out. We are going to keep the numerators as mass and the denominators as volume. अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास let's say 5 gram of water है, मैंने उसको freeze कर दिया 5 gram of water को, तो वो ice में convert हो गया, क्या mass change हो गया क्या? बताओ, mass की definition first class में पढ़ी थी. is the amount of बताओ, मास की डेफिनेशन, सॉरी मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी. मैटर इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सर्टेन मास. एरिया नहीं, मैटर इज समथिंग दैट इज ऑक्यूपाइंग सर्टेन वॉल्यूम एंड हैज अ सर्टेन मास. ठीक है, तो मास तो चेंज नहीं हुआ. तो देखो, दोनों का मास मैं स्मॉल m रख रहा हूँ. चेंज क्या हुआ? दोनों के डिनोमिनेटर्स चेंज हुए, वॉल्यूम. इसका मतलब सर, अगर डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर आप कह रहे हो, तो पक्का ये जो फ्रैक्शन आएगी, कौन सी फ्रैक्शन? डेंसिटी ऑफ आइस वाली, ये छोटी होनी चाहिए. छोटी होने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ आइस, और यहां मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख रहा हूँ. ये चीज सीधे सीधा भी समझ लो. बताओ कि वॉल्यूम ऑफ आइस, वी ऑफ आइस शुड बी ग्रेटर ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब अगर वॉल्यूम ज्यादा होती है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इन 3 dimension ज्यादा हो रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़े से वीक हो जाते. एक मिनट, स्पेसेस बढ़ जाते हैं. पहले ये समझो,
इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गए, एक हाइड्रोजन बॉन्ड देखो कैसा दिखता है, वो दिखाने के लिए मुझे ना दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपको बना के दिखाने पड़ेंगे। ये देखो, ये बड़ा वाला जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ, मतलब एक मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O होता है ना, तो ये जो छोटे छोटे दो है ना, अरे तो मैंने थोड़ा ऐसा बना दिया, थोड़ा बड़ा बनाते, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स तो बड़े होते हैं ना, सबको याद करवाया था ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम 8 ना, और हाइड्रोजन का 1 है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के एटम्स बड़े होंगे। ये याद रखना कि ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, इस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसको गलती से भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने क्या कहा, इज द बॉन्ड बिटवीन द वॉटर मॉलिक्यूल्स, मतलब ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे से, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये इसका रीजन भी मैंने बताया था, एक लाइन में आप लिख भी सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट ड्यू टू पोलर नेचर, बस एक लाइन का आंसर है, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ H2O, ठीक है। इसी के चलते इनमें थोड़ा सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अचीव कर लेता है, कौन सर, हाइड्रोजन, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज अचीव कर लेता है कौन, ऑक्सीजन। तो सबको पता है अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, देखो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, इसलिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ये चीज क्लियर रखना, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट? पोलर नेचर ये होता है, हाँ पोलर नेचर इज, ये हाइड्रोजन है और ये दो बड़े बड़े ऑक्सीजन है, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। टेंथ में जाओगे ना ये वर्ड सुना, आई मीन इसकी डेफिनेशन और अच्छे से समझोगे, एक मार्क का भी बोर्ड में, बोर्ड मतलब टेंथ के साइंस में ना एक मार्क का क्वेश्चन भी आया था कि डिफाइन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, तो उसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो यहाँ मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी, एक आदत किसी एटम की टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स खुद के तरफ विद अ मोर फोर्स, तो ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन से लगाव है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं ना, कोवेलेंटली शेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, ज्यादा समय ये इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ वक्त बिताते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो ये इसलिए थोड़ा सा पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो पोलर नेचर ऑफ वाटर इज, पोलर मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती, चार्ज वैसे अगर आप एक ऑयल मॉलिक्यूल लोगे, ऑयल या फिर लेट्स से क्या बोले उसे, घी, ठीक है, या फैट, ये सारे नॉन, हाँ ये सारे नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मतलब वो चार्ज पोलैरिटीज डेवलप नहीं करते हैं। चार्ज पोलैरिटी बताया था ना इंडक्शन समझाकर, जैसे ये सपोज एक आयरन ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्यों सर, आप एक चार्ज बॉडी मतलब टच में नहीं करोगे, इसके करीब लाओगे चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आए तो क्या होगा, ज्यादा समय पॉजिटिव चार्ज ना अपना वक्त बिताएगा, वो अट्रैक्टेड फील करेगा ना, तो इसके चलते ना पोलैरिटी पोलराइज हो जाएगा, ये बॉडी पोलराइज हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर के लिए चार्ज, मतलब चार्ज उतना ही, हाँ चार्ज उतना ही है बॉडी का, याद रखना नेट चार्ज जीरो ही है, नेट चार्ज बॉडी का जीरो ही है, नेट चार्ज इज जीरो, लेकिन चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, नॉन यूनिफॉर्मली। अगर ये न्यूट्रल, मान लो ये मैं चार्ज बॉडी हटा दूंगा, फिर पता चार्ज कैसे आ जाएगा इसमें, ऐसे ऐसे, ये बात समझ में आई, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना भाई, इतना क्या सोच रहे हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना चार्ज, और ये क्या है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्या इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं ना, तो याद रखना जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होती है तो क्या हो जाती है, बॉडी पोलराइज्ड हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है, इसके चलते हम कहते हैं उसने पोलर नेचर अटेन कर लिया, पोलर मतलब दो पोलैरिटीज आ गई उसमें, हमें पता एग्जैक्टली कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव, हम बता सकते हैं। उसी तरह वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है,
इस पोलर मॉलिक्यूल के चलते क्या एग्जिस्टेंस में आता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है गाइस? यस सर, यस सर, एक्चुअली ठीक है, आप लोगों का आंसर तो सही था. मैंने ऐसे डराने के लिए आपको पूछा. आइस के ही केस में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है, लेकिन लेकिन वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है. ठीक है, वॉल्यूम इस कदर ज्यादा हो जाती है कि ये सबका आंसर सही था. ये मैंने किस स्लाइड में लिखा था? हाँ, ऑफ कोर्स आइस हैज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड. आपने वो सोचकर बोला होगा कि सर हाँ, सॉलिड्स के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए ऑफ कोर्स. लेकिन इसके चलते एक क्या होता है ना काम, कि उसके वॉल्यूम या उसका स्ट्रक्चर में एक ऐसा चेंज आता है कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. वॉल्यूम इंक्रीज होने के चलते डेंसिटी कम हो जाती है. डेंसिटी कम होने के चलते दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स. ठीक है, ओके. लिखो इसको एक लाइन में, लिखो लिखो. वाटर ऑफ सर्टेन मास, वाटर ऑफ सर्टेन मास व्हेन फ्रीज्ड, वाटर ऑफ सर्टेन मास व्हेन फ्रीज्ड टू फॉर्म आइस. वाटर ऑफ सर्टेन मास व्हेन फ्रीज्ड टू फॉर्म आइस. ठीक है, comma, ice will have strong hydrogen bonds than liquid water. Ice will have strong hydrogen bonds than liquid water. However का मतलब है but. ठीक है sir. हाँ बोलो. Ice will have stronger hydrogen bonds, yeah, strong hydrogen bonds than liquid water. Okay. However, due to, okay, due to a proper structure, जैसे structure लिखोगे ना, due to a proper structure slash arrangement, ऐसे लिखोगे फिर. Forward slash के बाद, due to proper structure slash arrangement of molecules inside ice, increases volume of the cube. Cube मतलब समझ रहे हो ना, ice cube. Increases volume of cube. Full stop. ठीक है. Thereby density of ice increases. Sorry, thereby density of ice decreases. ठीक है. और ये लिख ले, और ये जरूर लिख लेना. Sir, proper structure arrangement of molecules के आगे क्या था? Inside ice. ये देखो लिखा हुआ है मैंने inside ice. Sir, क्या बनाना? ये दो equations लिखनी है. पहला आपको ये लिखना है ब्लैक बॉक्स में जो, ठीक है, फिर लिखोगे सिंस. सेकंड स्टेप आपका ये ऑरेंज वाला बॉक्स होगा, सिंस वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर. फिर लास्ट में आप ये स्टेप लिखोगे, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ आइस इज less than density of water. ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट है अभी तक या इससे पहले जो भी हमने पढ़ा है, पढ़ाई की है? और एरिल वो वेबसाइट में जाके ना देख लेना रिकॉर्डिंग जो आपका मिस हो गया था पिछले क्लास में. तो मुझे भी जानना वो रिकॉर्डिंग कहाँ है सर पिछले क्लास? रिकॉर्डिंग ILC जूनियर एक चैनल है. ILC जूनियर, सॉरी ILC सीनियर, अब तो तुम लोग सीनियर बैच में चले गए हो 8 से 9. तो चलो मैं इसके लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में इसके बाद. ठीक है, ओके सर. ये देख लो इसका पिछली क्लास का भी सर, लास्ट वाले एक से लास्ट क्लास का शेयर. बोलो बोलो. लास्ट स्लाइड से वो लिखना था सर मुझे, मतलब एक रह गया देखो वाला पार्ट रह गया.
अच्छा 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 जल्दी जल्दी सर जिसपे आपका मार्कर है उसको वो क्या लिखा हुआ है मार्कर डेंसिटी 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 density bracket ice is okay. less than density bracket water ठीक है okay sir okay ये देखो अब जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं देख रहे हो कैसे arranged हैं liquid में molecules और देखो ice में कैसे arranged हैं एक proper structure है कि नहीं देख लो एक proper structure है liquid में कोई आता पता नहीं एकदम घूमते रहते हैं randomly ठीक है और इसमें ऐसा होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इतना नहीं स्ट्रांग हो पाने के कारण सबसे ज्यादा स्ट्रांग इसमें होता है आइस में अभी हमने देखा स्टेबल ये येलो लाइन मत बनाओ स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस में ज्यादा होते हैं आइस में लिक्विड में थोड़े लेस स्टेबल होते हैं क्यों पता अब हम एंटर करने जा रहे हैं नेक्स्ट फेज में चैप्टर के बताओ एनीवन व्हाई डू यू थिंक कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज लेस स्टेबल कह लो या फिर लेस स्टेबल कह लो या फिर वीक कह लो या नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कह लो इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देन इन आइस क्या लगता है क्यों सर क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर रहते हैं अरे वही तो क्यों वो तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मैं कारण पूछ रहा हूँ रीजन पूछ रहा हूँ पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना यार याद रखो गाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अभी कोई कुछ लिखना मत काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स किन की ज्यादा है लिक्विड की या गैस की अरे लिक्विड लिक्विड ना काइनेटिक एनर्जी मतलब ये सपोज एक मॉलिक्यूल है देखो अब मैं इसका जूम व्यू नहीं बना रहा हूँ कि मैं हर बार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन बनाऊंगा ठीक है नहीं ये एक मॉलिक्यूल समझ लो और ये दूसरा मॉलिक्यूल है ये एक और मॉलिक्यूल है ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐसे कनेक्टेड हैं लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना उन्होंने क्या कहा टूटते रहते हैं बनते रहते हैं टूटते रहते हैं बनते रहते हैं मतलब ये कभी कभी अपने नेबरहुड वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो स्टेबल नहीं है इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में है ना क्यों रीजन मैं आपको बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी के चलते ना रैंडमली मूव करते रहते हैं मॉलिक्यूल्स तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखो लिखो सब लोग टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज द एवरेज temperature of the substance is the average kinetic energy is the average kinetic energy dekho main short mein likh raha hu ke tum log pura likhoge average kinetic energy of molecules of all molecules ye molecules hai theek hai sir ek bar bata dijiye kinetic energy kya hota hai ek bar repeat kar diye sure bata raha hu पहले लिख लो फिर मैं बताता हूँ लिख लिया yes, सबने लिख लिया गाइस yes, ठीक है अब बहुत ध्यान से सुनना काइनेटिक एनर्जी आगे पढ़ोगे भी नाइन्थ में न्यूमेरिकल्स इस पे पूछते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर ठीक है इसको ध्यान से समझो पहले कि सर है क्या काइनेटिक एनर्जी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू The virtue of velocity या motion of a body. अभी कोई कुछ लिखो मत सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से मैंने क्या कहा kinetic energy is due to virtue of. Virtue मतलब किसके कारण motion. किसी भी body में अगर velocity आ गई या motion आ गई हरकत आ गई या body move कर रहा है stationary नहीं स्टेशनरी होगा तो वेलोसिटी जीरो होगी यहाँ जीरो पुट करोगे वैल्यू तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी जब तक बॉडी मूव कर रही है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है नंबर वन ठीक है तो क्या मूव कर रहे हैं सर सब्सटेंस में मैटर में क्या मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स तो वो जितनी ज्यादा मूव करेंगे जितना ज्यादा एग्रेसिवली मूव करेंगे एक सैंपल में एक मैटर में तो हम कहते हैं कि उसकी उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है और इन अनदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं टेम्परेचर उस पूरी बॉडी का बहुत ज्यादा है क्लियर
क्लियर सर हमारे अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है ऑफ कोर्स ह्यूमन बॉडी टेंपरेचर है ना 37 डिग्री सेल्सियस 37.5 तो एब्सोल्यूट जीरो थोड़ी है हमारा टेंपरेचर एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है अच्छा हाँ चलो ये बात तुमने उठाई दी है तो ये सब लोग नोट करो कन्वर्जन बिटवीन हेडिंग दो कन्वर्जन इस पे न्यूमेरिकल आते हैं एक दो मार्क्स के इसी चैप्टर से कन्वर्जन बिटवीन डिग्री केल्विन टू डिग्री सेल्सियस एंड वाइस वर्सा ये एक लाइन का बहुत चुन्नू मुन्नू सा कॉन्सेप्ट है इसको कुछ समझना है नहीं एज सच लेकिन मैं इसे आपको एक चीज कन्वर्जन फ्रॉम कन्वर्जन बिटवीन बिटवीन फ्रॉम नहीं बिटवीन डिग्री सेल्सियस टू डिग्री केल्विन एंड वाइस वर्सा मतलब फिर डिग्री सेल्सियस टू डिग्री केल्विन या डिग्री केल्विन टू डिग्री सेल्सियस वो मैं कह रहा हूं अब देखो यहां सब लोग जल्दी समय कोई डाउट है किसी को एनीवन अच्छा नहीं देखो वाटर किस टेम्परेचर में फ्रीज होता है जल्दी 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 गुड 100 वेरी गुड 100 में फ्रीज हो जाता है सर सॉरी यस श्रेयांश यस यस गुड यही है तो हमें ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है डिग्री केल्विन में तो एक टेम्परेचर एक फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस में आपको प्लस 273.15 लेके चलना है ठीक है ये दोनों का सम इक्वल होता है डिग्री केल्विन इसको नोट करो जल्दी रेड बॉक्स में जो मैंने लिखा है और उसके बाद दूसरा फॉर्मूला भी नोट करेंगे कि डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री केल्विन माइनस 273.15 दूसरा क्या ये तो समझ में आ ही रहा है एक गिवन है तो दूसरा निकाल लोगे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है तो जल्दी से बताओ डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर है जीरो जिसमें वाटर फ्रीज होता है तो डिग्री केल्विन में कितना हो जाएगा 273.15 और बॉइलिंग पॉइंट बताओ 373.15 एग्जैक्टली कोई दम है इस कॉन्सेप्ट में नहीं लेकिन एक चीज अब समझनी है बहुत ध्यान से वो बुक में लिखी भी नहीं होगी ना तो उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे बट अभी जैसे दिव्यम ने पूछा सर हमारी बॉडी में है काइनेटिक एनर्जी हाँ तो सर ऐसी कोई बॉडी है जिसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है हाँ है लेकिन ऐसी बॉडी अर्थ में एग्जिस्ट नहीं करती यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है बाहर स्पेस में उस बॉडी का टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जिसमें हर तरह की मोशन काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांजिशनल एनर्जी बहुत अलग अलग एनर्जीज होती हैं एक पार्टिकल से एसोसिएटेड हर तरह की एनर्जीज सीज हो जाती हैं जीरो हो जाती हैं मतलब ना तो वो वाइब्रेट करेगा ना तो मूव करेगा तो ये टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली स्ट्रिक्ट सेंस में बोलूँ तो 273.15 अरे क्या लिख रहा हूँ मैं 273.15 डिग्री सेल्सियस जो कि इक्वल होता है जीरो केल्विन के जीरो केल्विन को ही एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं जीरो डिग्री केल्विन को याद रहेगा जीरो डिग्री केल्विन में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती बॉडी की ओके तो ये आपको याद रखना है कन्वर्जन ये बहुत सिंपल है इसमें कोई दम नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हाँ बोलो सर हमारे मैम ने बताया था कि कैलकुलेशन में 0.15 नहीं मतलब इन्वॉल्व नहीं करता 1.67 नहीं 1.5 होता है 1.6 नहीं होता है पहली बार ठीक है 1.5 होता है अगर आपकी मैम ने कहा है नहीं उसे इंक्लूड करना है 1.5 को तो मत करो बट एकदम एक्यूरेट आंसर चाहिए तो ये है फॉर्मूला ठीक है चलो नेक्स्ट हाँ बोलो महाराज सर जो सेवेंथ स्लाइड है सर उसमें मुझे एक डाउट है हाँ सर जैसे आपने ये मॉलिक्यूल बनाया सर ये मॉलिक्यूल कंबाइन नहीं होते नहीं 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 मॉलिक्यूल कंबाइन मतलब तुम कहना चाह रहे हो मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं होते नहीं सर ये जैसे एक छोटा मॉलिक्यूल है ये दोनों छोटा मॉलिक्यूल मिक्स होके बड़ा मॉलिक्यूल बना दे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता भाई दो H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में तुम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो उनका स्पेस कम कर सकते हो ठीक है
कंबाइन नहीं कर सकते हो, मतलब केमिकली रिएक्ट नहीं करवा सकते हो उनको, क्योंकि मॉलिक्यूल अपने आप में स्टेबल होता है मस्त, वो सबसे स्टेबल स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट तो नहीं एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट, जैसे नोबल गैसेस के सारे एटम स्टेबल है, नोबल गैसेस हीलियम आर्गन ठीक है ओके then we have yeah अब आता है मेन कॉन्सेप्ट आपका इन टर्म्स आपको याद रखने टर्मिनोलॉजी इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट या वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब लिक्विड टू गैस जब कन्वर्जन होता है तो उस कन्वर्जन को क्या कहते हैं वेपराइजेशन ठीक है वो सारे अब वो टर्म्स जो आपने याद किए थे सर इवेपोरेशन बोलते हैं सर इसको नहीं 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 वो सारे टर्म्स को भी थोड़ा बैकसीट दे दो इवेपोरेशन का एकदम मतलब अलग होता है इस चैप्टर में इवेपोरेशन वो मैं आपको बताऊंगा एक मार्क का क्वेश्चन भी इस पे बनता है चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग ठीक है ठीक ये समझाने से पहले एक बार मेरी बात अभी बहुत ध्यान से सुनो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इस पे डिफरेंट तरह के डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं ठीक है पहले मैं काइनेटिक एनर्जी से शुरू करूंगा फिर रेट ऑफ कूलिंग में जाऊंगा रेट ऑफ कूलिंग कह रहा हूँ कूलिंग इफेक्ट में जाऊंगा ओके सर उसको बहुत ध्यान से सुनना कूलिंग इफेक्ट आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही है तो एक मिनट उनको कह दो चुप रहने क्योंकि इम्पोर्टेंट है सुनो अब जैसे ये एक ओपन बीकर है यहाँ इस लेवल तक और सुनो गाइस हाँ और एक बात ये खत्म हो जाए ना क्लास 40 मिनट के बाद 40 मिनट के बाद तो उसी लिंक को दोबारा क्लिक कर लेना ठीक है आई डोंट थिंक आई हैव टू रिपीट दैट ओवर एंड ओवर क्योंकि इसमें टाइम लिमिट है ना तो दोबारा उसी लिंक को कर लोगे क्लिक तो फिर से एक नया सेशन खुल जाएगा yes, sir. ठीक है लेट्स से इस हाइट तक फिल्ड है वाटर और इस सैंपल का लेट्स से टेम्परेचर है अभी जैसे रूम टेम्परेचर कितना होगा नोएडा में मतलब नोएडा का एवरेज टेम्परेचर आई थिंक 27 डिग्री 26 ओह वो तो बाहर है ना बट रूम में आई गेस चलो 27 से 29 होता होगा ठीक है तो देखो जो सब्सटेंस जो मैटर होता है ना उसकी एबिलिटी होती है टू कम इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स मैंने क्या वर्ड यूज किया टू कम इन इक्विलिब्रियम सराउंडिंग का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो मैटर भी अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगा सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मैटर का भी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा लेकिन जरूरी नहीं सेम हो क्योंकि हर अलग अलग मैटर का रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ हीटिंग डिफरेंट होता है ओके जैसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ा था आप लोगों ने क्लास 7 में ठीक है दिन के टाइम कौन जल्दी से हीट अप होगा लैंड या वाटर लैंड ठीक है जबकि दोनों पे हाँ दोनों पे सेम सन शाइन कर रहा है दोनों को सेम एनर्जी रिसीव हो रही है तो रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ हीटिंग अलग अलग होता है मान लो इस वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तो 27 डिग्री सेल्सियस के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा एक काइनेटिक एनर्जी होगी अभी अभी हमने डेफिनेशन लिखी काइनेटिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखी थी ना हमने नहीं नहीं टेम्परेचर की लिखी थी सॉरी याद है टेम्परेचर की लिखी थी इट इज द मेजर ऑफ एवरेज एग्जैक्टली लेट्स से आपने हैंड इंसर्ट किया इसमें इस वाटर में आपके बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस ठीक है आई एम सो सॉरी हाथ बहुत गंदा है ठीक है तो व्हाट विल यू फील हीट या कोल्ड या कूल यू विल फील समथिंग कोल्ड राइट क्यों अब इसको बहुत ध्यान से समझो मेरे हाथ का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस इसके करेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी होगी मतलब मेरे स्किन के या मेरी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोशन है अब मेन क्वेश्चन आता है इनकी मोशन ज्यादा है
या मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है जो 27 डिग्री सेल्सियस में तो अब मेरा आता है जैकपॉट क्वेश्चन, इसको समझो कि कैसे बताऊं. चलो ऐसे बताता हूँ. क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे हाथ की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी? इन अनदर वर्ड्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन योर हैंड विल लेसन, विल डिक्रीज. व्हाई? बिकॉज सिस्टम्स इक्विलिब्रियम में आना चाहते हैं. जैसे क्लास 7 में और एक आपने सवाल पढ़ा होगा, एक हॉट मेटल स्फीयर, ठीक है सर, कितना हॉट है, टेम्परेचर तो बताओ, 70 डिग्री सेल्सियस मान लो. तुमने इसको एक पानी के टब में फेंक दिया, उस पानी का टेम्परेचर जो टब में प्रेजेंट है, उस पानी का टेम्परेचर लेट्स से 15 डिग्री सेल्सियस. डोंट यू थिंक दिस मेटल स्फीयर विल स्टार्ट लूजिंग व्हाट इट्स काइनेटिक एनर्जी? तो उसके चलते इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा. लेकिन ऑन द सेम हैंड वॉटर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट receiving more the molecules present are here, the molecules of the water, okay, they will on the other hand what kinetic energy their kinetic energy will start increasing. So yes, jab bhi kinetic energy increase or decrease hoti hai to hum kehte hain temperature increase or decrease hota hai respectively. To rate of cooling kya hai? Rate of cooling matlab जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाए किसी सिस्टम की, तो उस सिस्टम को ना थोड़ा सा ठंडापन का महसूस होता है. जैसे एक बहुत छोटा सा सिंपल एग्जांपल है, आपने कभी परफ्यूम अपनी स्किन पे मारा है या कोई डिओड्रेंट? क्यों फिर वहां ठंडा लगता है आपको थोड़ी देर में, जब आप स्प्रे कर देते हो, तो उसका रीजन आयोडेक्स या हाँ उसमें भी ठंडा लगता है, क्यों? उसका रीजन समझो. इस पे एक मार्क का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये सपोज आपका हैंड है, ओह गॉड, ये हैंड, चलो मान लो ये हैंड है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे थोड़ी सी परफ्यूम छिड़की. परफ्यूम में होता है अल्कोहल, क्या होता है अल्कोहल. हाँ, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, किससे? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सबको पता है 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो अल्कोहल का मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है. तुम जैसे ही अल्कोहल को स्प्रे करोगे, डोंट यू थिंक वो आपके उस पर्टिकुलर रीजन के हीट को क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रीजन के काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेगा. तो इसके चलते उस पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर रीजन का टेम्परेचर कम हो जाएगा, मान लो 35 हो गया, तो तुम्हें इसलिए वो कूलिंग इफेक्ट आता है. बात समझ में आई? अब इसको थोड़ा अच्छे से ढंग से लिखते हैं वर्ड्स में. अरे यार क्या हो गया, अंगड़ाई लेनी है तो कस के ले लो, ठीक है. कौन था वैसे? मुस्कान. अच्छा, और ये पीछे गाना कौन गा रहा है? ठीक, ये एक सिचुएशन हुई. एक मिनट, में पहले दो तीन सिचुएशंस आपको बता देता हूँ जो मेंशन्ड है बुक में. और एक हुआ वो वाटर कूलर, ठीक है, भगवान कितनी गंदी स्पेलिंग, कूलर, वाटर कूलर हो गया. उसे क्या कहते हैं, एसी से पहले, पता तुम लोग, उन्होंने तो वो देखा नहीं ना, एसी से पहले घर घर में वो लगते थे, क्या कहते थे, कूलर ना, लेकिन वो सफारी कूलर थे, समथिंग पता नहीं, सफारी